अब भी होगा। देखिए लोकतंत्र में जो उनको करना वो करना ही चाहिए, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं को जब तोड़ा जाता है, उसको छिन्न भिन्न किया जाता है, तो उसमें जितनी भी एजेंसीज हैं वो अपना काम करती हैं। ये सब एजेंसीज जो हैं इंडिपेंडेंट हैं और कोर्ट्स हैं वो अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। तो जिस प्रकार के विषय उन्होंने पीछे चुनाव के समय में या उसके बाद भी किए हैं, इस सब के ऊपर कोर्ट ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद उनको एक सज़ा हुई। सज़ा के कारण से आगे का जो यानी विषय होते हैं, 2 साल की सज़ा के बाद किसी की भी मेंबरशिप जाती है, वो उसका परिणाम है। अन्यथा कोई सरकार किसी प्रकार का दुरुपयोग करती ऐसा नहीं है। हर किसी को अपनी मर्यादाएं बना के रखनी है। अगर मर्यादाएं कोई इस प्रकार से तोड़ेंगे तो कोई भी होगा, कोई इनके साथ अकेले हुआ ऐसा नहीं है। अगर हम 2014 से लेकर इस समय तक देखें तो ये 13वां केस है, चाहे विधानसभा की सदस्यता गई है चाहे लोकसभा की सदस्यता गई है। तो ये तो कोर्ट के फैसले के अनुसार सब होते हैं और कोर्ट में अगर उनको कोई राहत मिलेगी तो मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो कोर्ट का संज्ञान लेगा। देखिए वास्तव में ही कुछ क्षेत्रों के अंदर वर्षा का, ओलावृष्टि का एक प्रभाव जो हुआ है, जिसके कारण से फसलें जो हैं वो बिछ गई हैं और उसमें जो पकी फसलें हैं उनका नुकसान भी हुआ है। आज जो अभी पकी नहीं है और कम ओलावृष्टि हुई है या केवल वर्षा हुई है, उसके उन फसलों को दोबारा से ठीक यानी खड़े होने का 2 दिन में 3 दिन में जो खड़ी हो जाती हैं वो तो बच जाएंगी, अन्यथा जो बिछ गई हैं और जिनके ऊपर वर्षा का ओलावृष्टि का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ उसका नुकसान हुआ है। हमने इसकी गिरदावरी के लिए आदेश दे दिए हैं, 31 मार्च तक सब गिरदावरी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद असेसमेंट करके और जिनका जितना नुकसान हुआ है, जो इंश्योरेंस कराई हुई है, बीमा कराया हुआ है फसल बीमा योजना के अंतर्गत, वो तो कंपनियाँ देंगी और जिन्होंने बीमा नहीं कराया है उसको सरकार देगी। मई महीने में इनके सबके जो कंपनसेशन है, जो क्लेम है, वो सब सेटल कर दिए जाएंगे। देखिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है, लेकिन जिन लोगों ने अपनी मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था उनके लिए कठिनाई आई थी, वो अब हमने गांव के अनुसार जहां जहां इस प्रकार का नुकसान हुआ है डीसी को आदेश दे दिए हैं उन सब गांव के लिए और मेरी फसल मेरा ब्यौरा दोबारा से खोल दिया जाए ताकि वो अपनी फसल को उसमें दर्ज कर सके और उसके बाद फिर क्षतिपूर्ति में भी अपने नुकसान का जो उनका जायज़ा है उसमें डाल सकें।